हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो अभी मैं खड़ा हूं फतेहपुर बाईपास पे। फतेहपुर से जब हम रोल साहब से जाते हैं तो अनोखी होटल से जस्ट आगे, और यहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहां पर है एसकेटी सपोर्ट सर्विस। तो एसकेटी सपोर्ट सर्विस का काफ़ी दिनों से हम बोर्ड देख रहे थे, और हमारे मामा जी हैं आबिद खां गारिंडा, आबिद खां कॉमरेड, इसके अलावा जाबिर खां भी हैं, जाकिर खां मास्टर जी हैं जो कि गारिंडा में अभी कार्यरत हैं, तो इसके अलावा अब्दुल रशीद साहब हैं जो कि अभी रिटायर हुए हैं। तो उनके आबिद खां के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है यहाँ पर फतेहपुर में। तो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये क्या एसकेटी है, क्या एक्चुअल में, तो इसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मेरी तरह ही काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो उनको ज़रूर हमें ये एक बार मैं बताऊँगा। बोर्ड दिखाइए, या आप बोर्ड देख सकते हैं, राजस्थान में पहली बार ऑयल गैस ट्रेड सेंटर, एसकेटी सपोर्ट सर्विस ऑयल गैस ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका क्या मकसद है, क्या कोर्स ये यहाँ पर करवाते हैं, तो हमारे साथ रफीक खां जी हैं, इस सेंटर के ट्रेनर हैं, तो इनसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो रफीक खां जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया जी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये सेंटर है किस चीज़ का, एक्चुअली ये इससे जो कोर्स ये कितने दिन का है, और इससे ये कोर्स करने के बाद में जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल से एक बार हमें आप समझा दीजिए। ये एक गल्फ के अंदर ऑयल एंड गैस जो अपने जो प्लांट होते हैं, ऑयल एंड गैस के प्लांट, गैस के प्लांट है, पेट्रोल के प्लांट है, बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके काम से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा। जिनके अंदर स्प्रे पेंट होता है। अच्छा। जो मशीन से स्प्रे पेंट होता है, गन से। और ये है एयरलेस स्प्रे पेंट, एयरलेस। अच्छा जी। जो बगैर हवा के और मशीन अपने आप पंपिंग करके और स्प्रे गन से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरा है सेंट ब्लास्टिंग। अच्छा। जो अपना जो भी लोखन है, कार्बन स्टील का जो भी लोखन है, उसके ऊपर जो जंग लग जाता है, उस जंग को निकाल के और एकदम प्योर स्टील बना देता है। अच्छा अच्छा। तो उसकी लाइफ 5 साल 10 साल बढ़ जाती है। बिल्कुल, लोखन की लाइफ बिल्कुल। तो ये कोर्स जो होता है वो कितने दिन का होता है? ये कोर्स हम लोग 45 डेज का रखा है। 45 दिन का। अच्छा जी। उसके अंदर हम लोग उसको आदमी को एकदम ट्रेन कर देते हैं। अच्छा अच्छा। और ट्रेन करने के बाद उसको हम हमारे इधर ही इंटरव्यू दिलवा के और गल्फ भेज देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये कोर्स जो आप करवाते हो 45 दिन का, इसका चार्ज क्या रहता है, आपकी फीस वगैरह क्या रहता है? हमारा जो अभी जो चार्ज है वो है 20,000 रुपये 45 दिन के पूरे। 45 दिन के। अच्छा अच्छा। 20,000 रुपये में हम लोग इसको 45 दिन ट्रेनिंग दे के पूरा कंप्लीट उसको एकदम परफेक्ट कर देते। और उसके अलावा अभी हम लोग जो अपने जो जाबिर गारिंडा वाले हैं, ये उनका ही सेंटर। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं पैसे का लालची नहीं हूँ। मैं अपने यंग जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं उनको बाहर, मतलब अच्छी पोस्ट पे भेजना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल। उनका टारगेट ये है कि जो हमारे जो बंदे हैं वो यहाँ से कोर्स करें, कोर्स करने के बाद में जाए बाहर, गल्फ में भी जाएं तो वहाँ पर भी अच्छी पोस्ट मिले उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताएंगे, जैसे 45 दिन का ये कोर्स कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद में इस जो बच्चे 45 दिन का कोर्स कम्प्लीट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो कुछ उनके लिए स्पेशल, जैसे कोई डी फार्मेसी की है बच्चे ने तो उसको फार्मासिस्ट बोलते हैं, या कोई नर्सिंग करता है तो उसको नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हो आप? इनको सर हम लोग एक ही बात कहते हैं कि ये एक दो जॉब तो हमारे पास में है। अच्छा। एक तो स्प्रे पेंट का और एक ब्लास्टिंग का। जी जी। उसके अलावा हमारे पास में पेंटिंग फोरमैन का भी होता है। अच्छा अच्छा। और पेंटिंग सुपरवाइजर का भी रहता है। पेंटिंग सुपरवाइजर, पेंटिंग फोरमैन का रहता है। अच्छा। और उसके अलावा एक और पोस्ट है जिसको बोलते हैं PTW, वर्क टू परमिट। तो जो पढ़े लिखे लड़के हैं ना, उनको हम ये पोस्ट पे भेजते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर यहाँ पर आपने अभी तक कितने दिन हो गए ये सेंटर ओपन? ये ओपन करके कम से कम 3 महीना हो गए। 3 महीने। 3 महीने में तो आपका तो कोर्स 45 दिन का ही होता है, तो एक बेंच तो आपने निकाल दिया होगा। एक बेंच तो हमने निकाल दिया जो ऑलरेडी कतर जा चुका। कितने है? बंदे का, कितने बंदों का बेंच था ये? 33 बंदों का बेंच था। 33 बंदों का फर्स्ट बेंच। अच्छा। तो 33 बंदों में से कितने लोग अभी तक बाहर चले गए? 33 बंदों में से अभी तक 26 बंदे जा चुके। 26 बंदे बाहर। बाहर कौन सी जगह? दोहा कतर के अंदर। अच्छा। केपिस्ट कंपनी, अल्ट्राड केपिस्ट कंपनी में। अच्छा अच्छा। जा चुके हैं और सब अपने अपने जगह पे सेट है। तो उनका अभी आपने संपर्क बना है तो क्या उनको सैलरी वगैरह है उनकी? वो सैलरी वगैरह हम लोग जो बताए थे वो वही सैलरी है। क्या सैलरी वगैरह? उसमें हम लोगों ने बताया था 1,000, 1,100 और 1,200 वही सैलरी उनको, जो यहाँ पर जो उनका ग्रेड था ABCD
उस हिसाब से, उस ग्रेड के हिसाब से, वहाँ ग्रेड के हिसाब से मिल रहा है बिल्कुल। और टाइम बहुत है। अच्छा अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो अभी 3 तारीख को, 3 तारीख को दूसरा बेस की हम लोगों ने एंट्री करवा दी है, उनके 15 बंदों के वीजे आ चुके हैं और उनका मेडिकल भी हो चुका है, अब खाली उनकी टिकट आना बाकी। तो सर मैंने जैसे वहाँ पर बाहर बोर्ड भी लिखा हुआ है SKT और यहाँ पर शेगुल, तो ये शेगुल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसका पूरा जो क्या मामला है? ये शेगुल है, ये मुंबई की बहुत बड़ी ब्रांच है। अच्छा अच्छा, हिंदुस्तान मतलब ऑल वर्ल्ड पे है ये। अच्छा अच्छा, और ये मेन पावर का बहुत बड़ा सप्लाई की एक एजेंसी है। अच्छा जी, इनसे हम लोग कॉन्टेक्ट है, हम उनकी ब्रांच है। अच्छा अच्छा, आप ये यहाँ पर शेगुल की जो ब्रांच है, ब्रांच है हम। अच्छा अच्छा, वो जो हमको इंजेक्शन देते हैं उसी हिसाब से हम आदमी को बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो दूसरा बैच चल रहा है उसमें आपके पास कितने स्टूडेंट हैं? दूसरे बैच के तो हम लोगों ने 47 ब्लास्टर और पेंटर, अच्छा, उनका इंटरव्यू करवा दिया। इंटरव्यू करवा दिया, करवा कब दिया? करवाया वो 3 तारीख को, 3 तारीख को इंटरव्यू करा दिया और आज 23 तारीख है। 23 तारीख तो उनका लगभग जाने का, उनका 15 आदमियों का वीजा और मेडिकल हो चुका रेडी है। अच्छा अच्छा, अभी टिकट आना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ पर ये मतलब पूरा आपका सेंटर है, तो बच्चों को जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज, दोनों चीज, तो थ्योरी कहाँ चलती है, प्रैक्टिकल कहाँ करवाते हो? थ्योरी अंदर चलती है। हाँ, तो वो आप जगह दिखा दीजिए आप हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चों को जो थ्योरी है, थ्योरी की क्लासेस यहाँ पर लगती हैं और ये यहाँ पर सर है बोर्ड पे यहाँ पर समझाते हैं। तो ये आपके आपके पास स्टाफ कितने हैं यहाँ पे? हमारे स्टाफ है 5 आदमी। अच्छा, तो थ्योरी के अलग होंगे, प्रैक्टिकल के अलग है। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ पर आपके पास ये सारे स्टूडेंट है, ये कुछ स्टूडेंटों ने ड्रेस पहन रखी है जो बाहर हम देखते हैं, तो ये क्या? ये जो प्रैक्टिकल करवाएंगे ना अभी, अच्छा अच्छा, तो उसके लिए उनको पूरा पूरी पीपी पूरा सेफ्टी का रूल्स रेगुलेशन पूरा बता के। एक मिनट में सर आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा है, आप इनकी ड्रेस अब देख सकते हैं बिल्कुल, जो हम लोग बाहर देखते हैं और काफ़ी वीडियोस वगैरह में भी देखते हैं, तो ऐसी ड्रेस हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अभी मैंने पीछे देखा था कि एक बंदे को बिल्कुल कवर कर रखा था, वो जो ऊपर मास्क टाइप लगा रखा था, वो क्या? वो ब्लास्टिंग जब करते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम पे ब्लास्टिंग क्या बहुत प्रेशर से होती है, तो उसके लिए उसका पूरा सेटअप है अपने पास में। अच्छा अच्छा, पूरा सेटअप, पूरा सेटअप है। हाँ, तो वो सेटअप मतलब आप सेटअप लगाने के बाद में पूरी सेफ्टी के साथ बच्चों को? सेफ्टी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी प्रैक्टिकल अभी आप करोगे क्या? अभी करेंगे, तो वो करके वो प्रैक्टिकल और दिखा देते ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अच्छा सा समझ में। जरूर जरूर जरूर। बिल्कुल। दोने हाँ, तो ये अभी ये लगाया, इसको क्या बोलते हो? ये है ब्लास्टिंग हुड, ब्लास्टिंग हेलमेट। अच्छा, तो ये प्रॉपर सेफ्टी है। बिल्कुल। आदमी के ना आंख में कुछ हो सकता है, न डस्ट जा सकती है, ना आदमी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अच्छा, ये बहुत प्रेशराइज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रेशर है इसमें। अच्छा, तो अच्छा, आदमी की आंख में भी लग सकती है, कान में भी प्रॉब्लम हो सकती है साउंड की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। या कोई फुल सेफ्टी के साथ, ये फुल सेफ्टी के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉपर सेफ्टी है। और इसके साथ में फिर हम लोग ब्लास्टिंग शुरू करेंगे। जाओ वो नोजल पकड़ो। हमारे फतेहपुर में कितनी शानदार सर्विस यहाँ पर इनके द्वारा दी जा रही है, और बाहर के लिए जो जो सेटअप तैयार किया है कितना शानदार है, तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर पूरा सेटअप है, वो आप देख सकते हैं। तो अभी ये हमें यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं। अभी ये है ब्लास्टिंग का पूरा सेटअप, कैसे सेफ्टी के साथ आदमी अच्छा ब्लास्टिंग करने के लिए जा रहा है। मतलब कार्बन स्टील पे जो जंग आ चुका है, अच्छा अच्छा, उसको निकालने के लिए पूरा आदमी रेडी है। अच्छा, तो वो जंग ये निकाल देंगे? ये मतलब पूरा जंग निकाल देंगे मशीन। अच्छा अच्छा, ये मशीन पूरा जंग निकाल देगी। तो वो जंग जैसे निकालेंगे तो हमें कुछ यहाँ पर दिखाई देगा क्या? एकदम व्हाइट हो जाएगी। देखो, ये है एयर कंप्रेसर। अच्छा, इसको इसके एयर कंप्रेसर चालू करने के बाद में वो मशीन के अंदर पूरा प्रेशर जाएगा एयर का। अच्छा अच्छा, और वो एयर के प्रेशर से फिर वो उसका जंग है ना वो पूरा निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो ये है एयर कंप्रेसर। अच्छा, अब ये ब्लास्टिंग चालू हो रही है, पूरा जंग निकाल देगी वो लॉकडाउन के ऊपर जो भी जंग है वो।
बिल्कुल आवाज़ बहुत ज़्यादा है और आपको तो कम सुनाई दे रही है क्योंकि नॉइज पॉल्यूशन चालू है। अभी ये देख सकते हैं आप नज़दीक से, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं दूर तो रफीक साहब आपने पहले जो दिखाया था मैंने उसमें समझा कि जो ये जो लोग के जो होते हैं उन पे जो जंग लगता है तो जंग उतरवाते हैं, जंग उतरवाते हैं। और उसके बाद में जो सेकंड आपने जो स्प्रे करवाया था उसमें क्या पेंट का स्प्रे है, पेंट का स्प्रे पेंट अप्लाई विदाउट एयर, विदाउट एयर। अच्छा अच्छा, वो पेंट जो हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं हाँ जी, तो उसका जो स्टील एकदम साफ कर देते हैं उसके बाद में उस पर पेंट अप्लाई होता है। अच्छा, तो वो पेंट अप्लाई हम लोग ब्रश से नहीं करते हैं, ब्रश से नहीं करके स्प्रे से करते हैं। स्प्रे से करते हो, तो स्प्रे से करते हैं तो उसकी लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एकदम कंपनी में जैसा होता है ना वैसा ही बन के निकल गया। तो रफीक साहब आप आपकी क्या योग्यता, पहले आप बाहर रहते थे? मैं जी दोहा कतर में रहा हूँ। अच्छा, और कम से कम 27 इयर्स, 27 साल से। अच्छा, और मैंने यही ब्लास्टिंग और पेंटिंग के काम किया है। अच्छा अच्छा, पहले ब्लास्टिंग पेंटिंग का हाथ से किया, फिर बाद में सुपरविजन किया। अच्छा अच्छा, फॉरमेन सुपरविजर का काम। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो रोजगार का जो साधन है वो यहाँ पर आपको मिल सकता है, अवेलेबल हो सकता है। तो आप यहाँ पर जरूर एक बार आएँ, विजिट करें, समझें। अगर आपको लगे कि ये काम हमें करना चाहिए तो ज़रूर आप यहाँ पर 45 दिन की ट्रेनिंग लें। बहुत ही कम रेट में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इसके अलावा जॉब की भी यहाँ पर लगभग 99% आपको गारंटी देते हैं। ये यहीं पे इंटरव्यू करवाते हैं, इसके अलावा यहीं पर आपको जॉब भी प्रोवाइड करवाएंगे। 3 महीने इनको अभी हुए हैं शुरू किए हुए, और 3 महीने में इन्होंने अपने एक बेंच को निकला दिया है, इसके अलावा दूसरे बेंच का भी इंटरव्यू वगैरह करवा दिया है, तो बहुत जल्द वो भी जाने वाले हैं। तो अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। आपको मैं इस शेगुल इंस्टीट्यूट की जो भी डिटेल है वो पूरी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो इसके ओनर हैं आबिद साहब, उनके नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, और रफीक साहब हैं जो ट्रेनर हैं इनके भी नंबर भी लगा दूंगा, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब्बा खैर।